वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने नियम तोड़ा, बीटिंग रिट्रीट के बीच में पहुंचकर भड़काने वाली हरकत ली। नियम के मुताबिक परेड में सिर्फ बीएसएफ और पाक रेंजर्स ही भाग ले सकते हैं, किसी और के शामिल होने की इजाजत नहीं। भारत ने पाकिस्तान के इस रवैये पर विरोध दर्ज कराया, बीएसएफ के आईजी ने कहा आप दोनों तरफ गैलरी में नारे लगा सकते हैं, परेड में नहीं आ सकते। यूकेपीएन कार्यकर्ता नासिर खान ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया, कहा पीओके में कश्मीरियों की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। नासिर अजीज ने कहा पीओके के बेरोजगार युवा आतंकवाद के सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं, पीओके में आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। कुलगाम में चेक पॉइंट पर तलाशी के दौरान भाग खड़ा हुआ आतंकी हाईवे पर एक डॉक्टर की कार रोक कर उसमें सवार हो गया था। भागने से पहले आतंकी अपनी AK-47 राइफल और 9mm पिस्टल कार में छोड़ गया था, यह हथियार पाकिस्तान की सेना भी इस्तेमाल करती है। अमेठी में शहीद अनिल मौर्य को दी गई अंतिम विदाई, सुकमा में हुए थे शहीद। पाकिस्तान के पंजा साहब गुरुद्वारे गए भारत के अमरजीत सिंह लापता, पाकिस्तान के विदेश विभाग ने पुष्टि की। राजस्थान के सीकर पहुंची शहीद सम्मान यात्रा, घर घर जाकर शहीद परिवारों को किया जा रहा सम्मानित, अब तक 22 जिलों में जा चुकी यात्रा।